हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल एंड वी आर स्टडिंग फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड इन फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी आई हैव ऑलरेडी टॉट दैट व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज डोमेन रेंज. अ डोमेन सेट इज कॉल्ड प्री इमेज एंड रेंज सेट इज कॉल्ड और कोडोमेन सेट इज कॉल्ड इमेज. What is the difference between domain, codomain and range? So, in last video, we have already started that different kinds of function. And in different kind of function, we have already learnt about constant function. And today, we will start from identity function. Clear? हम लोग फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. फंक्शन क्या है, डोमेन रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, डिफरेंस क्या है डोमेन रेंज और कोडोमेन में. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बताया था. मतलब कि अभी आप लोगों का टॉपिक चल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. इसमें बहुत टाइप के फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है. मतलब फंक्शंस तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन बना सकते हो, ठीक है. लेकिन जो बेसिक जो फंक्शंस हैं, हम उन सभी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. सबका डोमेन रेंज क्या होता है, सबका ग्राफ क्या होता है, क्लियर. तो इतना सब कुछ हमें जानना है. चलिए फिर डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं फंक्शंस के बारे में. तो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर. सो चलिए. सो आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा फंक्शन एकदम बहुत ही बेसिक टर्म में आप लोग समझिए, ठीक है. एकदम जल्दी जल्दी बेसिक टर्म में, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ने हैं हमें. अप्रोक्स 15 फंक्शंस के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है. तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं. तो एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों सेम होता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है. मतलब वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोता है, सेम रहता है. जैसे आप देख रहे हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है. तो एफ सच दैट डोमेन टेंस टू रेंज, डोमेन टेंस टू रेंज, ठीक है, ऐसा होता है. तो इसमें आप देख पा रहे हो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स के टर्म में. सो इट्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स और हम जानते हैं हम एफ एक्स को वाई मानते हैं. तो आपका अगर यहां पर वाई पुट कर दे तो वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा. तो डोमेन और रेंज दोनों सेम है, ठीक है. तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर. और आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर. आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज क्या होता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर. जी हाँ, क्लियर. रियल नंबर क्यों, आप इस एक्स की जगह में कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या पुट करा है, ठीक है. और हम रियल नंबर ही क्यों पुट करें, क्योंकि हम लोग अभी रियल फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. रियल फंक्शन वैसे फंक्शन को बोलते हैं जिसका डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है. तो सीधी सी बात है कि डोमेन रियल नंबर होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रेंज भी हमारा रियल नंबर ही होगा, क्लियर. सो डोमेन और रेंज एक आइडेंटिटी फंक्शन का हमेशा रियल नंबर होता है, क्लियर. इसका ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ आप लोग 10th क्लास में सीख चुके हो ना बनाना. हम लोग जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, दो ग्राफ दो इक्वेशन रहते थे और उसको हम लोग सॉल्व करते थे, और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मैथड यूज करते थे. तो वो तो आप लोग को याद होगा ना. तो चलिए फिर ग्राफ देखते हैं. यहाँ पे एक ही फंक्शन है, उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है. सो लेट स्टार्ट. सो ये हमारा टेबल मैंने बनाया. हमें जब भी ग्राफ बनाएंगे तो टेबल तो बनाना पड़ेगा ना, तो टेबल बनाया मैंने, ठीक है. आप इसको इस कंडीशन को ध्यान में रखकर टेबल बनाओ. अगर आप एक्स का वैल्यू जीरो पुट करते हो तो वाई भी हमारा जीरो हो जाएगा. एक्स का वैल्यू वन है तो वाई भी हमारा वन हो जाएगा. एक्स टू तो वाई टू एंड सो ऑन. सो ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा ना. देखो आप कि आपका एक्स जीरो तो वाई जीरो, एक्स वन तो वाई वन, एक्स टू सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, एक्चुअली स्केल नहीं है ना. तो ये आपका y2 तो आपका सॉरी y2 तो ये आपका x2, क्लियर. x3 तो ये आपका y3 एंड सो ऑन. सो मैंने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये मेरा एक लाइन, ये मेरा ग्राफ बन गया. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन इन विच आवर डोमेन एंड रेंज बोथ सेम, क्लियर. देखिए मैंने नोट में यहां लिख भी रखा है कि डोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर. आइडेंटिटी फंक्शन का हमेशा डोमेन और रेंज होता है, वो हमारा सेम रहता है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं लीनियर फंक्शन की ओर. जैसे नाम से स्पष्ट है लीनियर फंक्शन. सो ये हमारा लीनियर फंक्शन है. लीनियर फंक्शन कैसा होता है, जब आपका एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स को ही हम लोग वाई बोलते हैं. आप देखो यहाँ पर एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है. यहाँ पर एम हमारा क्या है, स्लोप है, और सी हमारा क्या है, तो आपका सी जो है वो आपका, हाँ जी आपका सी जो है वो आपका कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है. या फिर हम कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं. तो आप देख पा रहे हो ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाई को हम लोग एफ एक्स ही बोल सकते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन बोलते हैं. याद है आपको क्लास टेंथ में आप सॉल्व करते थे एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री,
टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू वन, तो इस तरह के सारे फंक्शंस हमारे लीनियर होते हैं, मतलब कि जहां पर एक्स का और वाई का दोनों का डिग्री वन होता है, मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं सभी वेरिएबल्स का डिग्री अगर वन है तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, तो ग्राफ जानने से पहले हम लोग डोमेन रेंज जानते हैं। तो इसका डोमेन सेम लीनियर फंक्शन है, यानी कि आप एम और सी तो जो भी होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होगा, स्लोप और कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन रेंज होता है ना, डोमेन भी रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है, क्लियर। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए तो फिर इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने एक्स का वैल्यू लिया है जीरो, तो मैं मुझे वाई का वैल्यू आ गया सी, कैसे आप यहां पर जीरो पुट करोगे, तो ये आपका एम इंटू जीरो प्लस सी, तो ये पूरा जीरो प्लस सी यानी कि सी। अगर आप वन पुट करोगे एक्स के प्लेस पर तो एम इंटू वन प्लस सी, तो एम प्लस सी, टू पुट करोगे तो टू एम प्लस सी, तो इस तरीके से आपका चलेगा। तो मैंने इसका ग्राफ नहीं बनाया, पता है क्यों, इसका ग्राफ आप लोग टेंथ क्लास में बनाते थे पहली बात, और दूसरी बात यह है कि हमें इसका ग्राफ तभी मिलेगा जब हम एम और सी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एम और सी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करने पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे उसका ग्राफ मिल पाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा सकती हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया, लीनियर फंक्शन जिसको बोलते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि जितने भी वेरिएबल, सब वेरिएबल का डिग्री अगर वन है तो वो लीनियर फंक्शन है, जिसका फॉर्मेट लगभग वाई कॉस टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, और इसका डोमेन और रेंज दोनों ही आपका रियल नंबर होता है। और ग्राफ की बात आई तो लेट्स सी द ग्राफ, चलिए फिर ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, जहां पर m का वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं मतलब वन है, और c का वैल्यू क्या है, वन है, जी हाँ। तो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमने टेबल बना लिया, x का वैल्यू जीरो तो ये जीरो, तो जीरो प्लस वन यानी कि वन, y का वैल्यू वन, ये अगर वन तो वन प्लस वन यानी कि टू, ये अगर टू तो टू प्लस वन यानी कि थ्री, ये हो गया। तो चलिए यहां पर हम अब देखिए वाई कहां तक गया, थ्री तक, और एक्स कहां तक गया, टू तक, तो ये हमारा जीरो होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वन टू थ्री, उसके बाद ये हमारा वन टू थ्री, आपका एक्स जीरो वाई वन, यानी कि यहां पर हो जाएगा एक्स वन वाई टू, एक्स वन और y2 टू यहां पर हो जाएगा, x2 y3 आपका यहां पे हो जाएगा, आप इन तीनों को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, y इक्वल्स टू x प्लस वन का ग्राफ बन गया। तो ये एक लीनियर फंक्शन, क्योंकि यहां पर x और y दोनों का डिग्री क्या है, वन है, तो लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा हो गया। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है, क्लियर। चलिए फिर हम आप आगे बढ़ते हैं रेसिप्रोकल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो एक फंक्शन है जो कि एफ एक्स टेंस टू वन बाय एक्स, मतलब सिंपल सा बात है, आइडेंटिटी फंक्शन का रेसिप्रोकल। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स था ना, अभी मैंने जस्ट आपको बताया एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स, क्लियर। तो आप खुद सोचो इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, क्या x के प्लेस पे जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अगर यहां पर मैंने जीरो रख दिया तो ये वन बाय जीरो यानी कि ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। रियल नंबर का सेट कहां से कहां तक होता है, तो आपको शायद याद होगा रियल नंबर का सेट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल होता है, और मैंने आपको इंटरवल बताया है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, कभी भी ये न तो माइनस इन्फिनिटी होगा न तो प्लस इन्फिनिटी होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कहीं जीरो भी आएगा, आएगा ना, तो आपको तो उसे हटाना पड़ेगा, तो हमें हमने क्या किया, जीरो को हटा दे, तो डोमेन भी हो जाएगा आर माइनस जीरो और रेंज भी हो जाएगा आर माइनस जीरो। आप बोलोगे क्यों, डोमेन देखो आप ध्यान दीजिए, ठीक है, आप एक्स के प्लेस पे जीरो रखोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि आप लिखते हो सपोज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स यानी कि वन बाय एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स इक्वल टू हमें आ जाएगा वन बाय वाई, यानी कि अगर इस वाई का वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग लेते हैं इसका डोमेन और रेंज दोनों ही हमारा क्या होता है, होल रियल नंबर तो होता है लेकिन जीरो को छोड़ करके, क्योंकि होल रियल नंबर में जीरो भी आता है, तो आपको जीरो को निकालना है, तो इसे लिखते हैं हम लोग माइनस जीरो और सेकंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए रियल नंबर में निकालना है फाइव और सिक्स को, तो आप लिखोगे आर माइनस फाइव सिक्स, क्लियर। अगर आपको निकालना था फाइव सिक्स और वन को, तो आप लिखोगे आर माइनस वन कॉमा फाइव कॉमा सिक्स, क्लियर। तो इस तरीके से होता है हमारा, तो क्लियर हो गया इसका डोमेन और रेंज। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो सिंपल है ना, आप वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स है, तो आप एक्स का वैल्यू वन पुट करो, तो वाई क्या हो जाएगा वन बाय वन यानी कि वन, अगेन आप एक्स का वैल्यू टू पुट करो, तो वन बाय टू यानी कि
एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू 1/2, एक्स का वैल्यू 3 तो वाई का वैल्यू 1/3। आप बोलोगे आप एफ एक्स को ले रहे हो, तो भाई एफ एक्स ही हमारा वाई है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो ये आ गया, अब आप इसका ग्राफ तो ड्रॉ करना जानते हो ना, तो बस ये आपका ग्राफ हो जाएगा। यहाँ स्केल नहीं होने का नहीं, टेढ़ा। अगर आप एग्जैक्टली रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसका फॉर्मेट ऐसा होगा, ठीक है। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों होगा, तो हाँ जी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक वाई का वैल्यू मिनिमम है, सबसे मिनिमम यहाँ पे y का वैल्यू है इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे x का वैल्यू मैक्सिमम है। जितना उधर जाएगा उतना x मैक्सिमम होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना y मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो y का सबसे नीचे पॉइंट पे, यानी कि y मिनिमम है कब, जब x मैक्सिमम है। सिमिलरली इस जगह पे अगर आप देखो तो इस जगह, इसको अगर हम निकालते हैं तो इसका x एक्सिस हमारा ये होगा, ठीक है। तो इस जगह पे आपका क्या कंडीशन है, तो इस जगह पे आपका कंडीशन ये है कि इस जगह पे x मिनिमम है लेकिन y मैक्सिमम है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन वही होता है कि एक मैक्सिमम तो एक मिनिमम, ठीक है। इसलिए इसका ग्राफ हमेशा ये रेक्टिलिनियर ग्राफ होता है, क्लियर। इसे हम रेक्टिलिनियर ग्राफ बोलते हैं। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से होगा। आप खुद भी चेक कर लो ना, आपका x 1 1, तो ये आपका 1 1 पॉइंट हो गया, x1 y1 2 1/2, तो x का 2 और y 1/2, यानी कि 1/2 मतलब हाफ, और 3 और 1/3, तो 3 और 1/3 मतलब 0.33, तो लगभग 1/2 से थोड़ा सा नीचे। तो ये इसमें सही से ज्वाइन करूंगी तो मैं, मेरा ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब भी कोई फंक्शन का में एक्स का डिग्री जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है। जब डिफरेंट डिफरेंट वो एक्स के डिग्रीज को कंटेन करता है तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पॉलीनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा एक पॉलीनोमियल फंक्शन है। अब भी मैंने आपको लीनियर फंक्शन के बारे में बताया, वो भी एक तरह का पॉलीनोमियल फंक्शन है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट की, आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, ठीक है, स्टूडेंट की बात करती हूँ, तो स्टूडेंट मतलब स्कूल स्टूडेंट भी हो सकता है, कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता है, डिप्लोमा स्टूडेंट भी हो सकता है, एमबीबीएस स्टूडेंट भी हो सकता है, लॉ स्टूडेंट भी हो सकता है, एनीथिंग स्टूडेंट ऑफ एनी काइंड। लेकिन जब मैं एग्जैक्टली बताऊंगी नहीं वो एमबीबीएस स्टूडेंट है या फिर वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो वो मैं मतलब कि उसको अलग कर रही हूं, है ना, उसे मैं अलग दिखा रही हूँ कि नहीं वो स्टूडेंट तो है लेकिन कौन सा स्टूडेंट है, तो एमबीबीएस है। वो स्टूडेंट तो है लेकिन कौन सा स्टूडेंट है, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। सिमिलरली पॉलीनोमियल फंक्शन, हर तरह के फंक्शन को हम लोग पॉलीनोमियल बोलते हैं, चाहे उसका डिग्री 2 हो, चाहे उसका डिग्री 3 हो, चाहे उसका डिग्री 1 हो। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर फंक्शन है, अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक फंक्शन है, अगर डिग्री 4 है तो वो बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन है, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पॉलीनोमियल जब मैं बात करती हूं तो वो जनरलाइज केस है, और उस जनरलाइज केस में क्या होता है, तो आपको उस जनरलाइज केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर